Today I'm going to revise chapter power sharing. Again and again we have revised this chapter so many times. तो अभी भी अगर इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी तो मींस नो थोरो रीडिंग डन बाय यू. अब तो आपको ये करने हैं जो साइड पे इन्होंने कुछ इमेजेस दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल मैप देके भी तो पूछ सकते हैं कि ये मैप किस कंट्री का है. बेल्जियम. ये दिस इज ऑफ बेल्जियम. श्रीलंका. ठीक है, तो आपको ये सारा दे के पूछ सकते हैं मेजोरिटेरियनिज्म का मीनिंग. ठीक. एंड नेक्स्ट इज सिविल वॉर का मीनिंग. नेक्स्ट वन कार्टून इज गिवन हियर. ये है पिक देके पूछा जा सकता है कि ये पिक कहाँ की है. तो दिस इज ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स. बेल्जियम की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है. पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ऑफ बेल्जियम ये जो पिक दी हुई है. इज इट क्लियर. नेक्स्ट तो ये प्लीज ध्यान में रखना. नेक्स्ट इज हियर वन कार्टून इज गिवन. ये इन 2005 सम न्यू लॉज वर मेड इन रशिया गिविंग मोर पावर्स टू प्रेसिडेंट. इन विच ईयर पावर्स न्यू लॉज वर मेड इन रशिया बिकॉज ईयर इज मेंशनड. तो दे कैन आस्क 2000 दैट लॉज गेव मोर पावर्स टू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सेम टाइम यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड रशिया. कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट उन दिनों रशिया गए. यूके यूएस के फ्रांस. यूएस अकॉर्डिंग टू दिस कार्टून. अब ये कार्टून क्या बता रहा है. रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. रिलेशनशिप व्हाट डज दिस कार्टून डिपिक्ट. रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. रिलेशनशिप बिटवीन डिक्टेटरशिप और एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. बताओ डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी. तो इसको पढ़ के जाना प्लीज. कार्टून उन्होंने पेपर में दे के पूछ लेने आपसे. और आप बताओ आपके स्कूल में मॉनिटर्स चेंज एवरी मंथ. इज दिस इसको आप क्या कहोगे. इज दैट व्हाट यू कॉल अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. क्या इसमें पावर शेयर्ड है. इज मॉनिटर्स आर चेंजिंग एवरी मंथ देन देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर. यस. तो दिस इज शेयरिंग ऑफ पावर के हर बच्चे को चांस मिल रहा है. मॉनिटर्स चेंज हो रहे हैं. मार्शल चेंज हो रहे हैं. मीन्स ये पावर शेयरिंग को ही अडॉप्ट किया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट इज अब यहाँ पे आपको पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ऐसे ही बताओ. अब मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी. पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. मैं चलो बोलती हूँ क्लिशन गवर्नमेंट के सेपरेशन ऑफ पावर. पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. लिसन केयरफुली. कम्युनिटी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट. पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. मैं बोल चुकी हूँ उसकी. आप बताओ कौन सी. वेरी गुड. कम्युनिटी गवर्नमेंट. पावर शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज. कोलिशन गवर्नमेंट. तो यहाँ पे ये देख लो आपको जैसे ही पेपर में भी ऐसे ही आते हैं कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन. ऐसे ही आती है ना आपको पेपर में. तो यू हैव टू रिवाइज ऑल द एक्सरसाइजेस विच आर गिवन एट द बैक ऑफ द बुक. मोरल रीजंस हैं. प्रूडेंशियल रीजन है. इसके अलावा आपकी एथनिक वेरिएशन है. पाथ फॉलोड बाय बोथ द कंट्रीज बेल्जियम एंड श्रीलंका. पाथ फॉलोड बाय बेल्जियम अकोमोडेशन. पाथ फॉलोड बाय श्रीलंका मेजोरिटेरियनिज्म. विच पाथ इज बेटर. किसमें पावर शेयर्ड है. अकोमोडेशन. किसमें मेजोरिटी कैन डोमिनेट माइनॉरिटी. मेजोरिटेरियनिज्म में. श्रीलंका में मेजोरिटी ने किसको डोमिनेट किया. माइनॉरिटी ओवर इन मेजोरिटी इन श्रीलंका सिनालास. एंड इन माइनॉरिटी तमिल्स क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स. पता है ना श्रीलंका में सिनहाला 74%. कैपिटल ऑफ अगर आपसे पूछा जाए बेल्जियम. हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन.
In which year Belgium became federal country? In which year? Constitution of Belgium was amended. तो वहां से आप आइडिया ले सकते हो इसका. Amended from dash to dash 1970 to 1990. तो 1993 में सारा उन्होंने सिस्टम सेटअप किया. इट मीन्स बेल्जियम बिकेम फेडरल कंट्री इन विच ईयर 1993. तो इससे आपको आइडिया मिलेगा 1993 बेल्जियम बिकेम. हाउ मेनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड? फोर टाइम्स. अब एथनिक वेरिएशन बेल्जियम की भी आनी चाहिए, श्रीलंका की भी आनी चाहिए. बेल्जियम में कंट्री में हुवर इन मेजोरिटी, आई एम सेइंग इन कंट्री डच. हुवर इन मेजोरिटी इन कैपिटल सिटी? फ्रेंच. हुवर इन माइनॉरिटी इन कैपिटल सिटी? डच. एंड 1% कौन थे वहां पे? जर्मन. एंड 59% इन कंट्री कौन? डच. 40%. एंड इन श्रीलंका 7% कौन? 7% क्रिश्चियंस, नॉट मुस्लिम्स. मुस्लिम्स ओनली 1%. सिनाला 74%. तमिल, इंडियन तमिल हाउ मच परसेंट? इंडियन तमिल, आई एम सेइंग इंडियन तमिल नॉट तमिल. वेरी गुड, 5%. वो 18% पूरे तमिल है. इंडियन तमिल ओनली. श्रीलंकन तमिल 13%. तो सबको आती है एथनिक वेरिएशन, है ना? एथनिक वेरिएशन ऑफ श्रीलंका, एथनिक वेरिएशन ऑफ बेल्जियम. एंड टू रीजन्स ऑफ बेल्जियम, वेलोनिया एंड फ्लेमिश. अब वेलोनिया में कौन? डच और फ्रेंच. एंड इन फ्लेमिश? डच. श्रीलंका गोट फ्रीडम इन विच ईयर? 1948. तमिल्स डिमांडेड डैश इलेम. इलेम मीन्स सेपरेट स्टेट फॉर तमिल. तमिल टोटल कितने परसेंट थे? 18%. आउट ऑफ 13% कौन? श्रीलंकन, 5% इंडियन तमिल. तो व्हेन सिन्हाला बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका एंड बुद्धिज्म बिकेम द मेन रिलीजन ऑफ श्रीलंका, दैट वॉज नॉट टॉलरेटेड बाय तमिल. दे डिमांडेड दैट विद सिन्हाला विच लैंग्वेज शुड ऑल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज? तमिल. विद सिन्हाला विच लैंग्वेज शुड ऑल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज? तमिल. बट ड्यू टू डैश पाथ श्रीलंकन गवर्नमेंट इग्नोर देम. ड्यू टू डैश पाथ मेजोरिटेनिज्म, क्योंकि उन्होंने मेजोरिटेनिज्म फॉलो किया, दैट्स व्हाई दे इग्नोर देम. उनको इग्नोर किया, तो ड्यू टू दिस रीजन देयर वाज सिविल वार. इन विच ईयर एक्ट वाज पास्ड बाय श्रीलंकन लीडर आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस? 1956. एंड बाय दैट एक्ट दे फॉलोड मेजोरिटेनिज्म. मींस श्रीलंका को फ्रीडम कब मिली? 1948. एक्ट कब पास हुआ? 1956. देन यू हैव टू लर्न अबाउट देयर एथनिक वेरिएशन, पाथ फॉलोड बाय सिन्हाला मेजोरिटेनिज्म. देन किसको हायर जॉब्स? ऑल द फैसिलिटीज वर गिवन इन श्रीलंका, सिन्हाला. एंड एक्ट के अकॉर्डिंग किस लैंग्वेज को मेन लैंग्वेज बनाया? सिन्हाला. मेन रिलीजन किसे बनाया? बुद्धिज्म. नॉट टॉलरेटेड बाय तमिल. अब तमिल की आपको एथनिक वेरिएशन प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. 18% 18 में से 5% एंड 13% 7% क्रिश्चियन. तो ये पता होना चाहिए सारा, ठीक है? तो ड्यू टू दिस तमिल डिमांडेड दैट विद सिन्हाला तमिल शुड ऑल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज, बट उन्होंने इग्नोर किया एंड सिविल वार हुई. व्हाट डू मीन बाय सिविल वार? व्हेन देयर इज वार बिटवीन पीपल ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द सेम कंट्री. व्हेन देयर इज वार बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ सेम कंट्री, दैट इज कॉल्ड सिविल वार. अगर मैं बोलूं देयर इज सिस्टम ऑफ चेक, तो कौन सी डिविजन ऑफ पावर है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल. पावर्स आर बैलेंस्ड. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? बैलेंस्ड बोला मैंने, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल में तो हम खुद ही कहते हैं. हाउ मेनी लिस्ट आर, कितने लिस्ट सिस्टम है ना इंडिया में सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेकिंग लॉ? 97. 97 पे कौन लॉ बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड स्टेट गवर्नमेंट 66. एंड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट ओन 47 सब्जेक्ट्स, कॉन्करेंट लिस्ट जिसे कहते हैं. एंड हु इज इंजॉइंग ग्रेजुरी पावर्स इन इंडिया? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इंडिया में पावर्स बैलेंस्ड है क्या? नो, पावर्स आर नॉट. कहां पे पावर्स आर बैलेंस्ड? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल मींस पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स.
अब मैं कहूं व्हेन पावर्स आर शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट. व्हेन पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. गिव एक्सेप्ट इंडिया एनी कंट्री जहां पे सोशल ग्रुप्स में पावर्स आर शेयर्ड. एनी कंट्री बेल्जियम, बेल्जियम में पावर्स आर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. इंडिया एंड बेल्जियम बोथ आर एग्जांपल. व्हाई बेल्जियम? क्योंकि बेल्जियम में कौन सी गवर्नमेंट सेटअप हुई थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट. थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज सेटअप इन बेल्जियम दैट वाज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट. एंड इंडिया क्यों एग्जांपल है? बिकॉज इन इंडिया पावर्स आर शेयर्ड बाय सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी. अगर आपको पूछा जाए सीट्स आर रिजर्व इन इंडिया फॉर एससी एंड एसटी, दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. तो कोलिजन गवर्नमेंट टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज. अगर मैं बोलूं पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल तो दैट इज वर्टिकल. पावर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. सिस्टम ऑफ चेक हॉरिजॉन्टल. बैलेंस इज हॉरिजॉन्टल. ये सारा तो इस वे से इसको लर्न करना है. ठीक है. देयर इज सिंगल सिटीजनशिप. फेडरल का यूनिटरी. फेडरल कंट्री और यूनिटरी. सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी. पता है क्या गड़बड़ कहां पे होती है? मैं बताती हूँ. अगर आप हाँ वही आप अगर इस क्वेश्चन को करते वक्त इंडिया अपने दिमाग में रखोगे तो गलत होएगा. इंडिया में हम कहीं ना कहीं कहते हैं क्वासी फेडरल एंड यूनिटरी. बट अगर हम इसको इंडिया को देखें तो इंडिया फेडरलिज्म हैज टू रूट्स ना कमिंग टुगेदर एंड. तो इंडिया में हम कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं? होल्डिंग टुगेदर. तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. उसके कुछ फीचर्स किसके साथ मैच होते हैं? यूनिटरी. बट वाइल डूइंग यूनिटरी एंड फेडरल तो आपने यूनिटरी में इंडिया को काउंट नहीं करना. अभी आप गलत कर रहे थे. मैंने कहा देयर इज सिंगल सिटीजनशिप. फेडरल और यूनिटरी. यूनिटरी. फिर यहाँ पे ये नहीं सोचना कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है तो इंडिया में फेडरल है तो फेडरल इज करेक्ट आंसर. ये रॉन्ग हो जाना. वाइल डूइंग यूनिटरी एंड फेडरल इंडिया दिमाग में नहीं रखना. फेडरेशन हैज टू रूट्स कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. किस में कौन से रूट में सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल? इन विच रूट सेंट्रल इज पावरफुल? होल्डिंग. होल्डिंग इंडिया में है तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल. ऐसा कौन सा रूट है वेयर पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड? रूट. रूट ऑफ फेडरेशन. पावर्स टू द स्टेट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. होल्डिंग टुगेदर. कौन से रूट में पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड? होल्डिंग टुगेदर. इन होल्डिंग टुगेदर सम टाइम्स पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट गिवन इक्वली. इक्वली नहीं दी होती. कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, कुछ के पास कम होती हैं. वेयर एज इन कमिंग टुगेदर पावर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स. कहां पे अगर मैं बोलूंगी स्टेट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट? होल्डिंग और कमिंग. होल्डिंग में आपकी स्टेट्स टोटली इंडिपेंडेंट है. कमिंग. आपको एक मिनट इस क्वेश्चन को जब करना है ना होल्डिंग एंड कमिंग बहुत इजी मेथड है, कभी गलत नहीं होगा. इंडिया दिमाग में रख लो बस. इंडिया में होल्डिंग है तो इंडिया के तो फीचर्स पता ही है. इंडिया में सेंटर इज. स्टेट्स आर नॉट टोटली. हमारे यहाँ पे स्टेट्स इंडिपेंडेंट है? नो. दे आर अनस्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये आपको पता तो है. इंडिया में वी आर हैविंग ड्यूअल सिटीजनशिप और सॉरी सिंगल सिटीजनशिप. अगर मैं पूछूं कि फेडरेशन के किस रूट में सिंगल सिटीजनशिप है? कमिंग और होल्डिंग? क्योंकि इंडिया में हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है. वेयर एज इन बताओ कहाँ पे डबल सिटीजनशिप है? होल्डिंग और कमिंग? कमिंग में. तो जब आप यूनिटरी फेडरल करोगे उसमें इंडिया को दिमाग में नहीं रखना. होल्डिंग करते वक्त इंडिया को दिमाग में रखना है. कौन सी कंट्री है ऐसी जहां पे आपको मैं पूछूं कि सिंगल सेट्स ऑफ लॉ फॉर द होल कंट्री एंड सेंटर इज पावरफुल? गिव एग्जांपल. एक मिनट मैं बोल रही हूँ यूके, बेल्जियम, यूएसए. यूके इज एग्जांपल. यूएसए तो फेडरल है और वो भी कमिंग टुगेदर. कृषान व्हाट हैपन टू यू टुडे? यूके. यूके में यूनिटरी है. इज इट क्लियर?
तो यूके में सिंगल सेट्स ऑफ लॉ फॉर द होल कंट्री सेंटर इज मोर पावरफुल। यूएसए में तो हम खुद ही कहते हैं सेंटर पावरफुल ही नहीं है, स्टेट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, स्टेट्स आर नॉट सबोर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम खुद ही कहते हैं यूएसए में तो देयर इज ड्यूअल सिटीजनशिप, क्योंकि वहां पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो इस चीज को दिमाग में रखना है। यहाँ पे आप कंफ्यूज पता है किसमें हो रहे हो, यूनिटरी एंड फेडरल, बिकॉज आपको लग रहा है कि इंडिया में यूनिटरी वाले फीचर्स है। तो मैं खुद ही कह रही हूँ इंडिया में क्वासी फेडरल क्वासी यूनिटरी। तो इंडिया को जब आपने यूनिटरी फेडरल करना है, इंडिया दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको यूनिटरी में किस किस को अपने दिमाग में रखना है, यूके एंड श्रीलंका, यूके एंड श्रीलंका दोनों में कौन सी हम कहेंगे कैसी गवर्नमेंट है, यूनिटरी और फेडरल। इंडिया इज द फेडरल और यूनिटरी फेडरल कंट्री। फेडरल की आपको सिक्स कंट्रीज पता है कौन कौन सी, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड यहाँ पे कमिंग टुगेदर है, पता है ना, यूएसए को ही एक्सपेंड किया हमने। नेक्स्ट एसबीआई, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर है स्पेन बेल्जियम। बस ये गलती नहीं करना कि एस की जगह स्विट्जरलैंड इधर आ जाए, यहाँ पे स्पेन है, स्पेन बेल्जियम एंड कौन सी फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर। बस ये सिक्स कंट्रीज जो हैं ये फेडरल कंट्रीज हैं। अगर आपको यूके और श्रीलंका है तो दोनों में कैसी गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हेन सम ऑफ द पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर गिवन टू लोकल गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड, वेरी गुड हरजोबन, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन से किसकी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट फंक्शनिंग में बड़ी, मेल और फीमेल, फीमेल की फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन बढ़ी, बिकॉज फीमेल वुमेन की 33% सीट्स आर फिक्स्ड, तो वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ी है डिसेंट्रलाइजेशन में। वैसे भी लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन के आने से पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड। लोगों की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में बढ़ चुकी है विद द कमिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट में एट द टॉप लेवल बताओ कौन है, एट द टॉप लेवल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी, हु इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर। मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड, आपके एरिया में होंगे बताओ, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड काउंसलर्स। अगर मैं पूछूं एट लोएस्ट लेवल इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट देयर इज, लोएस्ट लेवल पे पूछा मैंने रूरल सेल्फ गवर्नमेंट देयर इज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत का बताओ ये हेड ऑफ पंचायत इज सरपंच, इनको क्या कोई सैलरी मिलती है, सरपंच इज गेटिंग सैलरी और ओनली एंजॉयिंग पावर्स, पावर्स, नो सैलरी इज गिवन टू दीस पर्सन। एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट सेक्रेटरी, एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर, ग्राम सभा, व्हाट डू मीन बाय, कितनी एज होनी चाहिए ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए, 18, व्हाट्स द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, इज देयर इज एनी टेन्योर, मेंबर्स आर द पीपल आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा टिल देयर डेथ, टेन्योर ऑफ विलेज पंचायत 5 years, टेन्योर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 5 years, कहीं गलत नहीं कर देना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर, मेयर इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत का हेड, नगर पंचायत का किसी ने सरपंच बोल दिया, हेड ऑफ नगर पंचायत चेयरपर्सन, हेड ऑफ नगर पंचायत, मेंबर्स ऑफ नगर पंचायत वार्ड मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ नगर पंचायत फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, अगर वो रूरल है या अर्बन है ना, सिटीज डिवाइड, चलो हम अर्बन की लेके चलते हैं, सिटीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज, क्या कहेंगे उन्हें, उन्हें वार्ड्स में बांटा जाता है, किस में बांटा जाता है, वार्ड्स में, सिटीज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, और हर वार्ड से मेंबर इलेक्ट होते हैं, पता है ना, सीट्स आर फिक्स्ड फॉर वुमेन, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कितनी है,
33 अभी मैंने बताया था, अभी अब मैंने बोल दिया लोकल, लोकल गवर्नमेंट में कितनी पार्टिसिपेशन है 33%। अगर मैं कंपेयर करूं सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, कहां पे वुमेन की पार्टिसिपेशन इज मोर? लोकल गवर्नमेंट। सेंटर में नहीं है वुमेन की पार्टिसिपेशन ज्यादा, सेंटर में सिर्फ 10% है, स्टेट में 5%, वेयर एज इन लोकल गवर्नमेंट 33%। देखो कितना फर्क है, 33% लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन, नेक्स्ट इज रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम सभा, यू हैव टू लर्न ग्राम सभा आल्सो। पीपल ऑफ द विलेज हु आर एट द एज ऑफ 18 और अबव हैव राइट टू वोट, दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा एंड दे रिमेन मेंबर टिल देयर। मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अर्बन और रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, टैक्सेस गिवन बाय, विद टैक्सेस के बिना और कौन सा सोर्स है? ग्रांट्स गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट्स गिवन बाय, एक तो टैक्सेस है उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपको टैक्सेस के अलावा पूछा जाए तो विच इज द मेन सोर्स? ग्रांट्स गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट्स गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट।